हेलो दोस्तों, मम्मी किचन में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का रेसिपी है कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए शिमला मिर्च का उपयोग किया जाता है। तो मैंने 200 ग्राम पनीर ली है, एक बड़ी साइज ली है प्याज, और एक ली है शिमला मिर्च, और दो टमाटर, एक मिर्ची और 5-6 कली लहसुन। कढ़ाई मेरा गरम है, अब इसमें डालेंगे सरसों तेल। इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, अब इसको हल्के हल्के भूनेंगे। डालेंगे प्याज, इसको भी भूनेंगे साथ में। ऐड करेंगे पनीर, इसको भी उसी में फ्राई करेंगे। ये सबको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गया है, अब इसको हम निकालेंगे। इस तरह से हम सबको निकाल लेंगे। इसमें 2 चम्मच के करीब और तेल डालेंगे। इसमें फोरन के लिए मैंने ली है 1 तेज पत्ता, 1 लाल मिर्च सूखी, 1 दालचीनी और 1 हरी इलायची, 2 लौंग और थोड़ी सी जीरा। अब ये सबको हम डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, अब ये सब अच्छे से चटक जाए। 1 मीडियम साइज का मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ली है, अब ये सबको अच्छे से भूनेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब ये सबको अच्छे से चलाएंगे। टमाटर को काट कर पेस्ट बनाऊंगी, उसमें लहसुन और मिर्ची और अदरक डाल देंगे। इसको मैं 4 काजू डाल दूंगी, पेस्ट बना लेंगे पीस कर। अब इसमें ऐड करेंगे जो मैंने पेस्ट बनाई है टमाटर का, उसको चलाएंगे इस तरह से। मीडियम आंच पे मसाले को भूनेंगे धीरे धीरे चलाते हुए। इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, मैंने 1 चम्मच डाली है। जब तक ये मसाले तेल ना छोड़ दे तब तक इसे चलाते रहेंगे, मीडियम आंच पे भूनेंगे। ये देखिए ये तेल छोड़ने लगा। अब इसमें हम डाल देंगे घर का दूध का मलाई है, इस तरह से चलाएंगे। अगर घर का मलाई है तो डालें, या मार्केट का भी डाल सकते हैं। मलाई डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। मसाला तेल छोड़ने लगा, मसाला मेरा भुना गया है। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे। ये सब को भी मैं इसी में ऐड करूंगी। अच्छे से सबको डाल दी है। अब इसमें क्रश करके कस्तूरी मेथी डालेंगे, इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। 7 से 8 मिनट इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे। इसको हम ढक देंगे और मीडियम आंच पे पकाएंगे। 7 से 8 मिनट हो गया, अब इसको देखते हैं। ये पक चुका है, अभी गैस को बंद कर देंगे। ये
ये सब्जी बन के तैयार है। इस तरह से शिमला मिर्च को सब्जी बनाइए। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, इसे और टेस्ट बढ़ जाता है। ये देखिए कढ़ाई पनीर कितना लजीज बन के तैयार हुआ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर पहला बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। रोटी पराठा चावल चपाती के साथ खा सकते हैं। सर्विंग प्लेट तैयार है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।